गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात को हम लोग पहुंच चुके थे घर पर और थोड़ा देर हो गई थी रात को आते आते, तकरीबन मतलब लेट ही हो गया था। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो यार एंट्री पॉइंट दिखाना, गांव में कैसा माहौल है और क्या हालात थे वो दिखाना बाकी था। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ से आए, कैसे आए थे। तो ये गांव की एंट्री है, रास्ता देख लो कितना नीट एंड क्लीन है और सुबह सुबह का माहौल है। हम लोग नाश्ता करके निकले थे और चारों तरफ ग्रीनरी है, साफ सफाई है, सुविधाएं सारी हैं। बट होता क्या है कि लोग गांव के काम कम होता है तो लोग अपने अपने काम खत्म करके जल्दी सो जाते हैं, खा पी के आराम करते हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ की गांव की एंट्री पॉइंट। रोड बने हुए हैं, इसको गांव नहीं कह सकते, ये सिटी में आता है, परफेक्ट सिटी इस तरह से बिल्ड किया हुआ है। ये एक तालाब है गांव के बाहर, जो पूरे गांव का पानी जमा होता है उसको तालाब कहते हैं, मतलब पानी। और यही पानी खेतों में भी दिया जाता है, ये बहुत ही बस अच्छा होता है, इतना कह देते हैं। खैर ठीक है। तो रात को जब हम लेट हो गए थे तो उतना लाइटिंग नहीं था और बहुत जल्दी जल्दी में थे हम लोग, तो शूट नहीं कर पाए थे। अरे यार, हमारे दीदी जी जमी तोड़ रहे हैं। जवे तोड़ रहे हैं। तो अनीता जी बिजी हैं अपने जवाई तोड़ने में, यानी मैगी बनाने में। और ये मुझे मिल गया है घिया इतना बड़ा। तो अब हो गया दोपहर का टाइम, चलो जी अब चलते हैं खाना खाने। और क्या बना होगा खाने में वो तो देखने पर ही मालूम पड़ेगा। तो अब चलते हैं छत पे, छत से कैसा दिखता है गांव का माहौल। ये वही तालाब था और चारों तरफ बड़े बड़े घर हैं। और क्या ना, गांव में जगह बहुत होती है लोगों के पास में, और एक स्टोरी बनाते हैं। मतलब जैसे एक फ्लोर बना लिया, बड़े बड़े 500 गज 600 गज, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, बड़ी बड़ी जगहें होती हैं। लोग फैमिली में मेंबर्स भी कम होते हैं कई जगह, तो जैसे 4 हो गए 10 हो गए 5 हो गए ऐसे भी होते हैं, लेकिन जगह बहुत होती है क्योंकि खेती होती है इनके पास में, और इनके पास में बड़े बड़े घर होते हैं, पशु होते हैं, सारी चीज़ें होती है, भरपूरता होती है एक तरह से कहा जाए तो। और कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से माहौल, हरियाली हरियाली आपको दिखे ही होगी चारों तरफ। दूसरी बात है कि यहाँ से सब कुछ मतलब एकदम हवा बिना बिल्कुल शुद्ध आता है, पानी जमीन से आता है, ऐसा नहीं कि फिल्टर करके लाओ ये लाओ, ऐसा नहीं, और प्यास बुझती है। और दोस्तों जैसे हम लोग 15 अगस्त के पहले गांव में झंडा लेकर घूमते थे, वैसे ही आज भी लोग बच्चों को स्कूलों से सभी लोगों को इकट्ठा करके, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पहले आप। तो हम लोग भी इसी तरह पूरे गांव में झंडा लेकर घूमते थे और भारत माता की जय ऐसे बोलते रहते थे। ठीक है, तो अब हो गया खाने का टाइम और सीमा जी खाना बनाने में व्यस्त हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे, ये पूड़ी नहीं बनने वाली है, ये है भटूरे, छोले भटूरे। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या बना है प्रॉपरली, छोले कैसे हैं और भटूरे तो देख ही सकते हो आप कैसे बना रही हैं। वो थोड़ी सी नर्वस है बट ठीक है, जो भी है खाना बहुत अच्छा बनाती है। सुबह नाश्ता भी माइंड ब्लोइंग था। नाश्ते में क्या था मालूम है, पराठा था और नौनी घी था। नौनी घी मैंने पहले भी कई वीडियो में दिखाया है कि कैसा होता है क्या होता है, वो सुबह सुबह करते थे और अम्मा जी भी सुबह आ गई थे तो वो भी नौनी घी खा रहे थे। और भाई इतना अच्छा लगा देख के उनको यार, मतलब ये उम्र में भी नौनी घी इनको डाइजेस्ट होता है, बड़ी बात है। और क्योंकि उन्होंने घी दूध खाकर ही पले बड़े हैं। खैर तो दोपहर का खाना हो गया रेडी, अब मैं आपको खाना दिखाऊंगा कि किस तरह से इन लोगों ने हमारा इस तरह से सजा दजा कर, सलाद वगैरह सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेहमान नवाजी का हम लोग लुफ्त उठा रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ भटूरा बनकर तैयार हो रहा है और श्रुति और सभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो उनके पहले हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो दोस्तों खाना आ चुका है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, छोले हैं, भटूरे हैं, हरी मिर्च है, प्याज है और राइस है,
लस्सी भी है साथ में और उसमें घी भी डला हुआ है। तो सारी चीज़ें तैयार होकर अगर फूले फूले आ रहे हैं भटूरे, मज़ा आ गया है मतलब देख करके। अब हम खाएंगे, आप भी हमारे साथ में इस चीज़ का आनंद लो। और गांव के लोग यार बड़े दिल से मेहमान नवाजी करते हैं, आपका दिल भराएगा, पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। खाना पीना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और मन भी शुद्ध, तो इस तरह का वातावरण देख करके हम बहुत मेंटली रिलैक्स हो चुके हैं और मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ है अचार जो मैंने अभी खाया ना, ऐसा टेस्ट है ना इसका, मतलब खतरनाक, बहुत ही खट्टा, एकदम पानी आ गया मुँह में। खैर अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इनके घर की होने वाली है। इन्होंने खेतों में ही घर बनाया है, ये चारों तरफ गन्ना लगा हुआ है, ऐसा ही इनका घर भी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। बाय बाय।